नमस्कार, मैं योग गुरु राजेश आज फिर से लाइव कनेक्ट हुए हैं महायोग ध्यान के सत्र के लिए। देखिए, सत्र शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूं आपसे। कोरोना वायरस के अलावा आज कोई टॉपिक नहीं है किसी के पास भी, और कोरोना वायरस पर रोज नई नई खबरें आ रही हैं, नई नई बातें आ रही है कि कोरोना वायरस एयर में भी सर्वाइव कर रहा है, कोरोना वायरस तरह तरह की एक्टिविटीज के द्वारा फैल रहा है। लेकिन मैं सभी देशवासियों से ये कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो। कोरोना वायरस भारत में हमारे यहाँ के सभी देशवासियों ने जो मिलकर एक प्रयास किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। अभी भी कुछ लोग हैं जो उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से फॉलो करें तो कोरोना वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भारत का जो क्लाइमेट है, भारत का जो खान पान है, यहाँ की जो संस्कृति है, वो बहुत ही अपने आप में इतनी स्ट्रोंग है। बस आपको करना क्या है कोरोना वायरस से बचने के लिए, अपनी संस्कृति पर वापस लौटना है। यदि आप अपनी संस्कृति पर वापस लौट आए तो कोरोना वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप अपने खान पान, जो वैदिक हमारा खान पान रहा है, हम शाकाहार को फॉलो करते हैं, मांसाहार ये विदेशी फूड है। हमारे यहाँ प्रकृति की पूजा की जाती है, तो वापस हम अपनी संस्कृति पर लौटें। कोई भी वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके मन की शक्ति इतनी प्रबल है, आपके आहार विहार, हमारे यदि हम अपनी संस्कृति को देखते हैं, उसके वैज्ञानिकता को समझते हैं, तो आप पाते हैं कि आप अपने आप में हर रोज कितने सारे बैक्टीरिया वायरस से अपने आप को सुरक्षा प्रदान करते हैं, अपनी केवल उस संस्कृति को फॉलो करते हुए। घर में साफ सफाई, बाहर से जब कोई आता है तो सबसे पहले अपने मुंह हाथ पैर धोएं, गरारे करें, और सुबह जब आप उठते हो तो आप सबसे पहले गरारे करें, गार्गल करें, उसके बाद थोड़ा गर्म पानी पिएं। तो ये सब हमारी संस्कृति का एक हिस्सा रहा है। हमारा दैनिक जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमारे कपड़े कैसे होने चाहिए, ये सब हमारे संस्कृति में पहले से ही हमारे पूर्वजों ने हमें बताया। तो आज उसी ज्ञान पर वापस लौटने का समय है, और योग ही एक ऐसा मात्र माध्यम है जिससे आप अपने आप को बचाव रख सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं, कोरोना से नहीं दूसरे सभी रोगों से। महायोग आप प्रतिदिन करें तो आप पाते हैं कि आपको कोई रोग नहीं होता। आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रोंग हो जाती है, इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाती है कि कोई भी वायरस, कोरोना हो या हंता हो, एक नया वायरस हंता संता न जाने कितने कितने नामों से वायरस आ रहे हैं, और आने वाले समय में जो जैविक हमले होंगे वो इसी तरह के होंगे। और चाहे चीन कोरोना वायरस COVID-19 को उत्पन्न कर रहा हो या US कर रहा हो, अभी इस पर भी बड़ा संदेह है, बड़ा षड्यंत्र है। इसके जब राज खुलेंगे तो शायद आम पब्लिक तक तो पहुंच ही नहीं पाए, आम व्यक्ति तक उसकी सच्चाई पहुंच ही ना पाए, कहीं बीच में ही उसको दबा दिया जाए। लेकिन हर व्यक्ति को, आम पब्लिक को करना क्या है, योग करना है। अपने आप को सुरक्षित रखो तो आप पर किसी भी
वायरस का अटैक नहीं होगा, आप किसी भी डर का शिकार नहीं होंगे। आज डर का व्यापार भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो 1 रुपए की चीज है वो 20 रुपए मिल रही है। तो ये ऐसे अवसरवादी लोग हैं जो अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं। मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि ये अवसर का समय नहीं है, ये एकजुट होने का समय है। जो व्यक्ति जितना धनी है, जिसने बहुत ज्यादा धन कमाया अधर्म के रास्ते पर चलकर, आज कोरोना वायरस की स्थिति में वही सबसे ज्यादा भयभीत है। आप नोटबंदी की बात करें, जब भी कोई भी परिवर्तन आता है तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो उसी व्यक्ति की होती है जो अधार्मिक होता है, जो धर्म के रास्ते पर अपने जीवन को नहीं चलता। तो हमारे संस्कृति का जो मूल है वो धर्म है, अपने धर्म का अनुसरण करना, यही हमारी संस्कृति सिखाती है। तो आओ आज हम फिर से महायोग का सत्र करें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं, अपने मन को तन को शक्तिशाली बनाएं, इम्यूनिटी को बढ़ाएं, रोगों से अपने आप को बचाएं। सभी आंखें बंद करें और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे ईश्वर से। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब निरोग रहें, सब स्वस्थ रहें, सबका कल्याण हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए सर्वप्रथम नाड़ी शुद्धि करेंगे। नाड़ी शुद्धि की जो सरल प्रक्रिया मैंने बताई, अपने राइट हैंड को प्राणायाम मुद्रा में ले आओ, राइट नोस्ट्रल को बंद करें, लेफ्ट से 3 बार श्वास लें। धीरे धीरे श्वास होना चाहिए, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें, 3 बार करें। लेफ्ट नोस्ट्रल्स को बंद करें, राइट से श्वास लो, छोड़ो। श्वास को लंबा गहरा लो, लंबा गहरा श्वास बाहर छोड़ो। इस प्रकार से नाड़ी शुद्धि, इंदा और पिंगला, इन दोनों नाड़ियों को प्राण के द्वारा शुद्ध करें। अब 11 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम के नाद के साथ हम मय की ध्वनि को उत्पन्न करेंगे। मय की ध्वनि जब उत्पन्न करेंगे तो अपने जबड़ों को आप मिलाकर रखें, जबड़ों को खोल कर रखें, लिप्स को मिलाएं, ताकि एक वाइब्रेशन हो आपके लिप्स के भाग में, एक कंठ के भाग में आपके वाइब्रेशन हो, आपके लंग्स में वाइब्रेशन होगी। इससे करेंगे 11 बार।
11 बार ओम का उच्चारण करने से बाद अब करेंगे महायोग क्रिया का फर्स्ट पार्ट। 3 से 4 बार डीप ब्रीदिंग करें, 3 से 4 बार गहरे श्वास लें, श्वास छोड़ें, पूरा ध्यान अपने श्वास के ऊपर। श्वास के ऊपर पूरा ध्यान, अपने श्वास की गति को धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। छोटा और तीव्र श्वास आपको लेना है, स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखते हुए। करतल धोने के साथ अपने श्वास की गति को बढ़ाते जाओ। श्वास की गति को बढ़ाते जाओ, स्पाइन को सीधा रखते हुए। छोटा और तीव्र श्वास। अब अपने कंठ पर ध्यान को कॉन्सेंट्रेट करें। विशुद्धि चक्र इस शरीर के रहस्य को यदि जानना है, अपने जीवन को जानना है, तो महायोग क्रिया बहुत ही उपयुक्त है। यह एक साधना पद्धति है। जो व्यक्ति जीवन को साधना चाहते हैं, जो जीवन में आई हुई आपदाओं से दृढ़ता के साथ डटे रहना चाहते हैं, वो महायोग करें। जो जीवन में संयम की महत्ता को समझते हैं, यदि आप जीवन को संयमित करना चाहते हैं, तो महायोग का अभ्यास करते रहें। जो ईश्वर का साक्षात पाना चाहते हैं, उस परम शक्ति से साक्षात होना चाहते हैं, उसे जानना चाहते हैं, महायोग साधना करें। महायोग साधना आपको महायोगी बनाती है। भगवान शिव को महायोगी कहा गया। यह योग की एक परम गोपनीय विद्या है, बहुत ही शक्तिशाली विद्या है महायोग। श्वास को एक बार अंदर लें, पूरा श्वास बाहर छोड़कर बाहर ही रोक दीजिए। तीनों बंद लगाएं। पहला जालंधर बंद, गर्दन को नीचे झुकाएं। दूसरा उद्यान बंद, पेट को अंदर की ओर खींचें पूरा। तीसरा मूल बंद, अपने मूत्र इंद्रियों को एनस भाग को ऊपर की ओर संकुचित कर लीजिए।
ये तीनों बंद लगा कर रखें, श्वास को बाहर छोड़कर यथाशक्ति अपनी अपनी बॉडी क्षमता के अनुसार श्वास को बाहर रोकें। अब श्वास को अंदर लें, जालंधर बंद हटाएं, उद्यान बंद हटाएं, वापस फिर से श्वास को अंदर रोकने के पश्चात जालंधर बंद लगा लीजिए। मूल बंद लगा हुआ रहे आपका, एनस भाग को ऊपर की ओर खींच कर रखें, अपने मूत्र इंद्रियों को। नॉर्मल श्वास, नॉर्मल श्वास लें। अपने ध्यान को अपने आजा चक्र पर ले जाओ, जहां आप तिलक लगाते हैं दोनों आईब्रो के मध्य। अपने ध्यान को अपने आजा चक्र पर ले जाओ। देखो इस शरीर की पवित्रता को, महसूस करो अपने मन की एकाग्रता को। आज्ञा चक्र पर बस देखते रहो अपने मन की पवित्रता, मन की एकाग्रता को महसूस करो। जितना मन पवित्र होगा उतना जीवन बुरे कर्मों से दूर होगा, और जितना जीवन में सदकर्म होंगे उतना ही जीवन की सदगति होगी, उतना ही जीवन का सफर आनंददायक होगा। तो देखो अपने आप को, देखो और जो गलतियां की है उनके पश्चाताप के लिए अपने आप को तैयार करो। जो भूल हो गई उस भूल के परिणाम को पाने के लिए अपने आप को मजबूत बनाओ। क्योंकि कर्म का फल कभी विफल नहीं होता, आप जो भी करते हैं। महर्षि पतंजलि कर्म से भी सूक्ष्म बात करते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं जो मन में भी विचार आए वो कर्म के फल को तीन स्थितियों से जोड़ते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। कि मन में भी आपने यदि सोच लिया किसी के बारे में कोई गलत, तो उसका भी फल आपको भुगतना होगा। वचन से किसी को गलत कह दिया उसका भी फल आपको भुगतना होगा, और आपने गलत कर दिया, एक्शन में लिया है, उसका भी फल आपको भुगतना होगा। लेकिन इन तीनों फलों में जो मन का जो फल है वो सबसे खतरनाक है। तो मन को पवित्र बनाओ, बाह्य कर्म कई बार परिस्थितियों के अनुसार भी होते हैं लेकिन उसकी छाप मन तक नहीं होती। तो अपने आप को पवित्रता की ओर ले जाओ, अपने आप को अपने मूल संस्कृति की ओर ले जाओ। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है स्वच्छता, हमारी संस्कृति हमें मन की पवित्रता सिखाती है।
हमारी संस्कृति हमें विश्व कल्याण की बात बताती है। हमारे वैदिक परंपराएं, वैदिक ज्ञान जो आपके भीतर है, जो आपके डीएनए में है, उसे वापस उत्पन्न करने की आवश्यकता है, अपने भीतर जाने की आवश्यकता है। जो बाहर की ओर बहुत भाग रहे थे, निरंतर दौड़, बिना रुके भागते जा रहे थे, अब कोरोना वायरस ने सबको रोक दिया, पूरे विश्व को रोक दिया। तो अब यह समय है अपने आप को देखने का, अपने भीतर झांकने का, और उन सब भूलों को सुधार करने का जो पहले हो गई। इस अवसर को जाने मत दो, यह अवसर है अपने आप को निरीक्षण करने का। इसमें डरे नहीं, डटे। कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है कोरोना का डर, डर की स्थिति। परमात्मा पर विश्वास बनाए रखो। परमात्मा ने इस पूरी सृष्टि को बहुत ही प्रोटेक्ट बनाया है, छोटे से छोटे जीव को भी उसका प्रोटेक्शन दिया है। चींटी को देखो, किसी भी जीव को देखो, हर वायरस बैक्टीरिया को देखो, उसका भी एक अपना प्रोटेक्शन सिस्टम है। मनुष्य के भीतर तो बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग सुरक्षात्मक तंत्र काम करता है। तो उस परमात्मा की शक्ति पर पूरा भरोसा रखो, अपने भीतर डर को जगह न दो, अपने भीतर से डटे रहो, मन को भी तन को भी स्वच्छता पर विशेष ध्यान दो। अब गहरे श्वास लो, धीरे धीरे गहरे श्वास लो, गहरे श्वास छोड़ो। श्वासों पर अपने ध्यान को ले आओ। एक बार ओम का उच्चारण करो। दोनों हथेलियों से आपस में घर्षण करो। फील करो अपने एनर्जी को अपनी हथेलियों में। धीरे से अपनी आंखें खोलो, रिलैक्स करो। आप सभी ने महायोग ध्यान का अभ्यास किया, आपको कैसा लग रहा है आप जरूर मुझे बताएं, अपने अनुभव शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखकर आप अपने अनुभव बता सकते हैं। आप व्हाट्सएप करके आप अपने अनुभव बता सकते हैं। और इस अभियान से जुड़कर आप जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वही लाभ दूसरे लोग भी प्राप्त करें, इसके लिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचे और उनको भी जुड़ने का अवसर मिले। अपने परिवार को जोड़ो, परिवार के लोगों तक ये संदेश पहुंचाओ कि हर रोज 12 बजे महायोग ध्यान करें और अपने आप को प्रोटेक्ट करें कोरोना वायरस से, जीवन के उन सभी समस्याओं से जो कोरोना वायरस के आने के बाद शुरू हुई हैं और जाने के बाद उभर कर आएंगी।
उन सभी परिस्थितियों से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करो महायोग ध्यान के माध्यम से, तो आप इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे। मैं सभी से निवेदन भी करता हूं और स्वयं इसे करते रहें, अपने जीवन का एक अंग बनाएं। हर रोज 12 बजे कल फिर मिलेंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें। ओम शांति।